अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, ओपन योर इंग्लिश योर टेक्स्ट बुक फॉर्म यूनिट नंबर 11। यू हैव अ टॉपिक एंड्रोकल्स एंड द लाइन। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ स्लेव नेम्ड एंड्रोकल्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ रोमन एम्पायर। He hated his cruel master, so he ran away to the forest. In forest, he saw a lion that was in pain. There was a large thorn in the lion's paw. Androcles removed the thorn and wrapped the paw with the cloth. The lion thanked the Androcles by licking his hands. Unfortunately, Androcles was captured by the soldiers for having escaped. Androcles was sentenced to be fed to a lion. Androcles knew that his life was about to end. The lion raced towards Androcles. An amazing thing happened. The lion began licking Androcles' arm instead of tearing him. The Roman emperor called him and after hearing his story granted him a full pardon. Androcles was now a free man. Moral: do good, have good. Now you have your exercise. Question number C. Here are some phrases and expressions from the story. Use them to complete the sentences given below. Phrases are the words. It's a combination of a verb and a preposition like escape. From, escape is a verb and from is a preposition. You will fill in the blanks with suitable phrases. On next page you have wordsmith. इसका मतलब है कि words को use करना, यानी words को use करने की skill. Remember, if the letter after C is I, E, I, अगर if the letter after C, अगर C letter के बाद I, E, Y use हो तो वहाँ पे C की sound जो होती है वो soft sound होती है. If there is any other letter after C और इनके अलावा अगर सी के बाद लेटर आए तो वहाँ पे सी की साउंड हार्ड साउंड होगी. द सेम रूल अप्लाइज टू लेटर जी. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर ए. अंडरलाइन द ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. दोज वर्ड्स और फ्रेजेस, वो अल्फाज या फिर वो फ्रेजेस, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कॉम्बिनेशन है वर्ब का और प्रेपोजिशन का, विच कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, यानी एक जुमले से दूसरे जुमले में उसके थॉट, यानी उसका जो भी ख्याल रीज़न जो भी हो वो दूसरे जुमले में या फिर एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाए तो वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहलाते हैं. आप इस क्वेश्चन में उनको अंडरलाइन करेंगे. कंपाउंड वर्ड. अ कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. This new word has a
न्यू मीनिंग, यानी अ कंपाउंड वर्ड जो है वो ऐसे बनता है कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को एक जगह पे इकट्ठा करके लिखा जाए कि एक नया वर्ड बने और उसका मीनिंग भी न्यू हो। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर, इट्स अ कंपाउंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज़ न्यूज़ एंड सेकेंड वर्ड इज़ पेपर। और नेक्स्ट पेज यू हैव क्वेश्चन नंबर सी, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड सर्कल द एडवर्ब्स। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड मोर डिटेल टू अ वर्ब, यानी एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की जुमले में वर्ब की मज़ीद यानी और ज़्यादा तफसील बताता है। Many adverbs end with ly, और बहुत से adverbs जो हैं उनके एंड पर ly आता है। For example, the music was playing loudly. Playing is a verb and loudly is a adverb.